नमस्कार भारत 360 को स्वागत। कोरोना को राज्य विपर्जय घोषणा करिसेंति मुख्यमंत्री। विधानसभा रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ए घोषणा करिसेंति। गृह रे मुख्य सचेतक एने प्रस्ताव आनिथिले। मार्च 38 जाय विधानसभा 31 जाय सब शिक्षानुष्ठान बंद रहिब। शिक्षानुष्ठान बंद रहिले भी परीक्षा निर्धारित तारीख अनुसार हेबो। सेपरि राज्य रे सब सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल बंद रखबा को निर्देश दिया जायछि। सबु राज्य और जिला स्तरीय अधिकारी को सतर्क रहा निर्देश दी जाता बेले कोरोना मुकाबला 200 कोटी टंकार स्वतंत्र पांठि घोषणा कर समस्त मंत्री को एक कमिटी गठन कर सरकार। यह कमिटी कोरोनार सचेतनता और सतर्कतामूलक पदक्षेप नेब। से मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार एक सचिव स्तरीय कमिटी गठन कर सतर्क और सचेतन रहा भयभीत न होगाक राज्यवासी को नवेदन कर। जिला स्तर में जिलापा और पूरांचल अधिकारी को आवश्यक मुताबक और प्रतिषेधकमूलक व्यवस्था ग्रहण करने को निर्देश दी जाए। आवश्यकता नथिले सभा कर्मशाला और सम्मेलनी बातिल करने अनुरोध कर राज्य सरकार। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि विवाह उत्सव, विभिन्न सामाजिक उत्सव, धार्मिक उत्सव क्षेत्र में तीक्ष्ण नजर रखिबे स्थानीय अधिकारी। से पर सर्वसाधारण स्थान में पान छेप पकांतु नाही बोली मुख्यमंत्री अपील करिसेंति। तेबे गुजब विभ्रांति सृष्टिकारी सूचना प्रचार प्रसार न करिबा को निर्देश दिया जाइछि। एपरी कार्य करथुवा व्यक्ति विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान निर्देश दिया जिवो बोली कहा जाइछि। तो राज्य विपर्जय घोषणा करा जाय छी कोरोना को। एतसहित 29 तारीख पर्यंत विधानसभा को स्थगित रखा जाय छी। 31 तारीख पर्यंत राज्य समस्त शिक्षानुष्ठान को छुट्टी घोषणा करा जाय छी, अर्थात बंद कर दिया जाय छी। तबे जो परीक्षा गुड़िक शेड्यूल रही छी से परीक्षा गुड़िक किंतु स्कूल और कॉलेज गुड़िक रे चालिबो। ता छड़ा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल आदि को बंद करिया पाई निर्देश दैछंती सरकार। विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान गुड़िक रही गैदरिंग जो सब हो सभा समिति तापर मध्य कटका जारी करा जाई छी। से गुड़ी को आभेड करने कह छड़ा एक कमिटी गठन करा जाई छी, मंत्री स्तरीय कमिटी जे कि ए कोरोना को किभ रोक एवं तार से कमिटी तदारख कर। सहित सचिव स्तरीय एक कमिटी गठन कर। पान छेप सर्वसाधारण रास्ता घाटे न पकेबाक मध्य कहा जाइछि सरकार पक्षर। एवं समस्त दायित्व समस्ते किभली सचेतन रहिबे कोरोना विपर्जय को रोकिबे सेने मध्य आह्वान देइछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 200 कोटी टंका एक पैकेज घोषणा करा जाइछि। सहित विभिन्न सानिटाइजेशन सामग्री, मास्क आदि मौजूद रखिबा पई मध्य अधिकारी मानकु निर्देश देइछंती सरकार। तो मुख्यमंत्री निर्देश देखते राज्य विपर्जय घोषणा करिसेंति कोरोना को। कारण कोरोना तार काया जो भाव में विस्तार कर लगी खासकर भारत में जनकर मृत्यु हो सारी 75 जन आक्रांत होती। आज 2 नुआ मामला चिन्हट हो सब को नजर रखी राज्य सरकार आगुआ सतर्कतामूलक पदक्षेप आपण। तो राज्य सरकार सतर्कतामूलक पदक्षेप एवं राज्य विपर्जय घोषणा करा शिक्षानुष्ठान को बंद करा किभली रही प्रतिक्रिया आम आपको नहीं जाऊँ। बालेश्वर एफएम कॉलेज परिसर को सेठी अच्छा आम प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति। से भाई भुवनेश्वर आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि प्रवीर प्रधान। प्रथम बालेश्वर जावा सत्यजित, शिक्षानुष्ठान सब बंद रहा 31 तारीख पर्यंत, किंतु जो परीक्षा गुड़िक चालू रही खासकर युक्त 2 परीक्षा जेहेतु एवं चली सेगुड़िक अब्याहत र तो सरकार का निष्पत्ति पर किभली प्रतिक्रिया रही शिक्षानुष्ठान गुड़िक।
देखु राज्य विपर्जय घोषणा करागला शिक्षानुष्ठान बंद करागला किंतु जो आप प्रश्न कले गोटे बड़ विषय आसूच परीक्षा जो मैंने दौरान बर्तमान जो मैंने जेहतु प्लस टू एक्जाम चली कि भाव में मुकाबला करें कौन व्यवस्था आम सहित अच्छा फकीरमोहन कलेज कनिष्ठ जो कलेज रही तार प्रिंसिपाल अच्छा सर सीधा सड़क जो राज्य सरकार घोषणा कले समस्त शिक्षानुष्ठान बंद कि सबुठ बड़ चैलेंज हूँ बर्तमान एक्जाम चली परीक्षा समय किमी मुकाबला किसी सेल व्यवस्था कर कलेज पक्ष कौन ठीक कहते का देखते का गोटे सीटिंग अच्छी ह्यूज सीटिंग कल आम 1714 पिला परीक्षा दौरान और 1714 पिला किसी कम संख्या नुहे तेणु यहाँ निश्चित भाव में गोटे ह्यूज कंग्रिगेसन हम आम जो कोरोना भाइरस स्प्रेड कर गोटे मेन रिजन हूँ अधिका कंग्रिगेसन हे ना ता बाबद सरकार किसी कही ना सरकार परीक्षा को भी बंद करना तेणु आम कौन करम लेवल आज जो परीक्षा थी हल में बुलिकी पिला कहीदेलु बाबू गोटे गोटे सेफ मास्क गोटे गोटे यूज कर जेतिक समय पारुछ अन्य पिला मानन पाखर दूर रहो आ जदि काहाकु तमे संदेह कलो बा निजे जदि फील कलो जे मुझे आई एम कोरोना भाइरस अफेक्टेड आसिकर आमुक तुरंत को आमे तार व्यवस्था करिबो मेडिकल ट्रीटमेंट पई पठेबो एतिक स्टेप निया जाय पारुछ आ पिला मानन जो ड्रिंकिंग वाटर टा दिया जाउछ भलो भलो पानी दिया जाउछ पीबा पई सब प्रकार आम लेवल रे जेतिक स्टेप नबा कथा आमे नउछु सर परीक्षा चलिबो तनु तो जदि आपन जो बोले कहले तत्पर होजन ता भीतर भी सर पिला को वाच करिया पई किछि व्यवस्था करा कि जहाँ देह भल नई सेफ्टी मेजर्स वाच करेंगे टाइम एंड अगेन जाए स्क्वाडिंग कर स्क्वाडिंग तार मुख्य उद्देश्य जदि कपी टा रखा कि जेहतु बर्तमान एटा गोटे मानते वर्ल्ड इश्यू हो गला कोरोना भाइरस एफेक्टेड तेणुक आम कौन कर स्क्वाडिंग टाइम आम अब्जर्व कर पिला जदि सामान्य तुम सिम्टम देखागला जे कोरोना भाइरस ही थाई पारे आम कौन कर तुरंत मेडिकल साहाज्य नौ साहाज्य नहीं जीत जहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा कथा करवस्था कर सत्यजित प्रिंसिपल मास्टर को पचारे कि ये तो छात्र मान प्रति नजर कथा छात्र मान कि सचेतन कर विषय कहते जो मैंने अध्यापक नन टीचिंग स्टाफ रही कलेज रही कौन पदक्षेप नि खासकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस कथा बर्तमान बंद कर एफएम कॉलेज रे बंद करा गला कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस एवं अध्यापक एवं कर्मचारी जो मान रही से दूरे रखा कोरोना संक्रमण नु कौन पदक्षेप नि कॉलेज तरफ रु निश्चित भाव देखो जो भाई प्रश्न आसूच सर जेहेतु कलेज स्टाफ रही बायोमेट्रिक जमी मना कर सब क्षेत्र में कौन कौन पदक्षेप नहीं स्टाफ मान अवेयर करेंगे पिला अवेयर करेंगे सब नहीं कि बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक बाबद आज चिठी आसा बायोमेट्रिक अटेंडेंस का उठी उठीगला सब आम जी स्टाफ अच्छा सब गोटे जगार एकत्रित न हूं से व्यवस्था कराई समस्त को सिनसीयरली रिक्वेस्ट कर बाबू जहाँ जो भी कम अच्छे से भी कम कर अननेसेसरी मेली करो नहीं मेली कले शीघ्र स्प्रेड करिवार अछि तेणु ऑफिस तरफ स्टाफ कोऑपरेशन मिलुची ऑफिस साइड कथा आम चिंता करनु स्टाफ कथा आम चिंता करनु जेहेतु पिला माने से माने एते मैच्योर नुहंती एवं जेतेबेले परीक्षा को आसछंती निश्चित भाव गोटे मेलीटे हम से आम टिके खाली डरिकी रहछु तथापि आम जथेष्ट सावधान अछु जे टिके किछि सिम्टम पाइला मात्र आम डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन सांगे टच रे अछु तांको सांगे सांगे कंसल्ट करछु एवं से माने आसिकरि भी अध्यय हम कोऑपरेट करछु निश्चित जे बोली चिट्ठी आसी बायोमेट्रिक बंद अवेयर कलेज अच्छी सर आउ गोटे कथ आसते सर जो कहते स्टाफ मैंने समस्त को बुझा जाए समस्त प्रिपेयर अच्छा स्टाफ मान भी सर दायित्व अच्छी पिला बुझेबा अवेयर से दिगरे सर कौन पदक्षेप नवर आवश्यक रही हाँ से दिगरे बेसिकली जेहतु आम फकीरमोहन कलेज परीक्षा समय जो 2000 पाखापाखि पिला आसने मिलकर भिड़ कर न आसवे से विभिन्न आम गेट खोलाई अलग कर चेक कर छाड़ू ताहित पिला पाने सचेतन हुओ मास्क व्यवहार कर एवं बेसिकली आम जो टॉयलेट सिस्टम गुडाक आम बहुत नीट एंड क्लीन रखीचु प्रचुर परिमाण में भल पा दौ जो पिला देखू कि सिम्टम अच्छी जदि देखू ताल जो सिक रूम व्यवस्था कराई से सिक रूम पाने परीक्षा देवे अजथा जमी मेली न हम पाने भिड़ न करेंगे संक्रमण एटा अधिक न हो से ध्यान दौ अलग व्यवस्था जहां देह खराब थी तेज कोरोना को नहीं सब सचेतनता शिक्षानुष्ठान बंद होते सचेतन अच्छा कोरोना बाबद जिते गैदरिंग सांगसाथी न मिसाइल कहुन के सचेतन अच्छा दिग्वे कौन पदक्षेप नौ आम कह चाहिए कि जेनेली एक्जाम सर पूर्व एक्जाम हवा पूर्व सर पूर्व जेनेली समस्त गैदरिंग कर डिस्कसन करू जेहेतु एवं कोरोना सब आड़े व्यापी चली तो आम चाहिए
निजे निजे सांग मानी कहीकि गैदरिंग को भांगी देकि एग्जाम पूर्व भी गैदरिंग न करवा निज निज काम अंध ओए पलि जा एग्जाम टाइम एग्जाम पूर्व जिते जुआ पब्लिक प्लेसेस को जाऊ मास्क यूज करसेसरी थी से जिन यूज करवा सांग आवोड मैंने डिस्टेंस मेंटेन करवा जहां को भी लगुच सिम्टम एवं कॉलेज पक्षर सचेतनतामूलक पदक्षेप नियाजाइछि बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजित सत्यजित सेनापति एफएम कॉलेज रु प्रतिक्रिया नौथुले अध्यक्ष अध्यापक एवं छात्र मानकर तो कोरोना को नहीं जदि शिक्षानुष्ठान बंद कर दीजिए कि युक्त दुई परीक्षा जेहेतु चली तो से कि विभिन्न सतर्कतामूलक पदक्षेप जहाँ सब नि से संपर्क में सूचना दूसरे कॉलेज अध्यक्ष एवं आम आपण को ले जाऊँ भुवनेश्वर एक कार्बन नगर स्थित एक सपिंग मल को सेठी अच्छा आम प्रतिनिधि प्रवीर प्रधान प्रवीर वर्तमान आज जेतु राज्य विपर्यय घोषणा करा कोरोना को मुख्यमंत्री एक गैदरिंग बेसी न हो बा जो साधारण स्थान रही पार्क सपिंग मॉल से सब को अधिक परिमाण में नजीबा कहुई तो आप जो सपिंग मॉल रे अच्छा सेठी केमती देखुं किसी से खास पदक्षेप नि लोक मूल किसी सचेतन कर देखो तो शक्ति साहब कोरोना को नहीं वर्तमान राज्य सरकार जो सतर्कमूलक वर्तमान पदक्षेप नहीं स्कूल तो वर्तमान बंद हो बड़ कथा जोटि की अधिक परिमाण लोक गैदरिंग होती से पार्क हो कि मॉल हो कि जो सभा समिति गुड़िको वर्तमान बारण कराऊँ निजे मुख्यमंत्री आपको बारण कर तो मो कैमेरा पर्सन कह कि दृश्य देखापी हूँ खारवेल नगर बिग बजार फार्म मार्टर दृश्य जोटी आप देखते बर्तमान लोक मैंने आसुंच जेहेतु मल अच्छी तो लोक मैंने निश्चित भाव आसवे किंतु जो कथा कहु कि कोरोना भाइरस जब भाव संक्रमित न हो कि अनेक लोक जो एककालीन गोटे जगार गैदरिंग न हो से राज्य सरकार आपको स्पष्ट भाव कहते कि गोटे जगार अनेक लोक गैदरिंग न हूँ तातान कहुच्छी जेहेतु भाइरस संक्रमित एवं गोटे पर गोटे देश को संक्रमित हो तो बर्तमान सीधा साल आम क्वेश्चन पचार किसी लोक कोरोना भाइरस आज्ञा आप मल को कोरोना भाइरस उपरती आपते आलर्ट अच्छा केते आप सचेतन अच्छा जेहेतु राज्य सरकार जी स्कूल बंद कर कि समय पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा कर स्कूल बंद करे तो कमी आप देखुं के सचेतन अच्छा कोरोना उपये भय रोचु आरोन तो आज जन मला आम फेसबुक द्वारा जान लु 76 एज रे लोक तेणुक मुख्यमंत्री किसी पदक्षेप नहीं थे आम के सचेतन अच्छा ता प्रति सचेतन रोचु थंडा खास पूर्व दूरे रोचुक आम थंडा खास कह जो मानने बड़ बड़ जगह जो अधिक लोक गैदरिंग होना से सब जगह को अवॉइड करेंगे धीरे ता पूर्व आम तार ये प्रतिकार हाथ न मिसाब हाथ को हाथ न मिसा को ये कंट्रोल करने प्रति सचेतन रोचु निश्चित भाव देखिपी ये हूँ लोकों प्रतिक्रिया लोक मैंने अवेयर अच्छा कि भाव कोरोना भाइरस जब संक्रमित हो मुख्यमंत्री जेहेतु आज स्कूल को बंद कर जो सब जनगहली जगह से पार्क हो कि सपिंग मल हो कि सभा समिति जगह हो कि जो लोकर अधिक गैदरिंग होवार पसबिलिटी अधिक रोचे से सब जगह को बर्तमान बंद कर लोक मैंने से न जावाई आउ कि प्रतिक्रिया ना लोक जो लोक अच्छा प्रकृत में कोरोना भाइरस केवेयर अच्छा जाणी प्रकृत में जेहेतु गोटे पर गोटे देश को बर्तमान व्यापुची आपको महामारी बर्तमान घोषणा कर पचार बुझा कि प्रतिक्रिया ना आज्ञा केमी देखुं कोरोना भाइरस जेहेतु संक्रमित होते कोरोना उपयर अच्छा के सचेतन अच्छा कोरोनापी मु संपूर्ण भाव सचेतन अच्छी मु समस्त अनुरोध करी समस्त संपूर्ण सचेतन रहा आवश्यक कारण ये वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी रूप से घोषणा कर सारी अलरेडी प्रायतः 4000 ऊर्ध लोक मृत्यु हो सारे सारा विश्व में 122 ऊर्ध देश व्यापी सारे तेणु मुझ संपूर्ण सचेतन अच्छी मुझे समस्त को सचेतन नागरिक भाव समस्त निवेदन करी समस्त विषय सचेतन रहा आवश्यक आज राज्य स्कूल बंद कर मुख्यमंत्री एवं जो पार्क हो कि आपंकर सपिंग मल हो कि सिनेमा हल सब बर्तमान बंद कर जोटी गैदरिंग अधिक हो नजर परामर्श दि जाऊँगी
ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ। କେବଳ ସରକାର ନିୟମ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ, ବଟ୍ କେବଳ ସରକାର ନିୟମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ନାଗରିକମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏହା ରୋକାଯାଇପାରିବ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଓକେ ଆଜ୍ଞା, ସଚେତନ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୋନାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା, କାରଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ହେଲା। ଯଦି କୁହାଯାଉଛି କି କୌଣସି ଗ୍ୟାଦରିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସଭା ସମିତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ମଲ୍କୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବାରଣ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଭାବରେ ବାରଣ କରିବା କଥା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଟାକୁ ମାନିବା ଦରକାର ବି। ଆଉ ଆଜିଠୁ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ପରାମର୍ଶ, ହାତ ଧୋଇବା କଥା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ, ଆଉ ଟିକେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଇକି ରହିବା କଥା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନିଲେ ଯାଇକି ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ନଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଏହା ଏକ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆର ଟୀକା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଔଷଧ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆର ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, କେବଳ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ରୋଗକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଏହି ରୋଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ମଲ୍ରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେଠାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଜେନା। ମନୋଜ, ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଟଙ୍କା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ହୋହଲ୍ଲା ହଟ୍ଟଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଘୋଷଣା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ, ବିରୋଧୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କରୋନାକୁ, ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବାଚସ୍ପତି ତାକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ, କାରଣ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ କରୋନାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ। 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ପ୍ୟାକେଜ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏ 200 କୋଟି କରୋନା ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଯାହାର କି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାସ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସାନିଟାଇଜେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି କ୍ରୟ କରାଯାଇ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାହତ ରହିବ, ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସିନେମା ହଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ସଭା ସମିତି କନଫରେନ୍ସ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପାନ ଛେପ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଛେପ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଲାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ତେଣୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସେସବୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ 31 ତାରିଖ ଯାଏ ବନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଆକୁ ମହାମାରୀ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମାନେ ଏତେ କନ୍ସର୍ନ ହେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ଯାଇଛି,
ଏଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନଟା ବେଟର ହବ। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଫାସିଲିଟିସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରି ହବନି। ହାଇଜେନିକ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପିଲା ରହିବେ, ଜଣକୁ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଫ୍ ହେଲା ଏଟା ତ କଣ୍ଟାଜିଅସ, ଏଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଯିବ ଇଏରେ। ଏଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ କି ପିଲାମାନେ ତ ଏତେଟା ହାଇଜେନିକ ହେବେନି, ଏତେଟା କେୟାରଫୁଲ ହେବେନି। ଏଣୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସରକାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଏଣୁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ଆଉ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ, ପରୀକ୍ଷା ତ ବନ୍ଦ କରି ହବନି କାହିଁକି ଏଜୁକେସନାଲ ଇଏଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ 100 ପିଲା ବସୁଥିବେ ଯଦି ତାକୁ କମେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ହାତ ଧୋଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିକସନ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଆୱେରନେସଟା ବଢେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇନିଜିଲେଟର ରହୁଛନ୍ତି ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମାସ୍କ କମ୍ପଲସରି କରିଦେବା କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କଲେଜ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯଦି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ ନିଆଁ ଯେମିତି ଧରେ ଘର ପୁଡି ଚାଲିଯାଏ ସେଇଭଳି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚ୍ୟୁତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ଶିକ୍ଷାବିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚ୍ୟୁତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ରୋକି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେହେତୁ ଚାଲୁଛି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ କମାଯାଇପାରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଥରେ ଏହା ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ରୋକିବା କାଠିକର ହୋଇପଡ଼ିବ।